सीएम शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल रसोई योजना का रियलिटी टेस्ट करने हमारी टीम पहुंची सागर। और सागर में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं, यानी सागर का बस स्टैंड, जहां पर बनाई रसोई का हाल हम आपको दिखाते हैं। यहां कोरोना को लेकर एहतियात का ध्यान रखा जा रहा है। ये बात अलग है कि खाना खाने के लिए आने वाले लोग मास्क से परहेज करते नजर आए। सबसे पहले सुनवाते हैं बस ड्राइवर चंदन की बात यहाँ के खाने को लेकर। मिला है बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है और अच्छा भोजन है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है जो भगवान ने और सरकार ने करके दी है। ये बहुत अच्छी है और अच्छा है कि गरीब लोग और भी लोग, जैसे कि मैकेनिक हो गए, हेल्पर लोग हो गए, कंडक्टर, गार्ड, मतलब गाड़ी लाइन के तो हर आदमी जो भी है उनके लिए बहुत अच्छी सेवा है और आगे भी चले हम यही कामना करेंगे। आप यहाँ आते हैं, साफ़ सफाई कैसी रहती है? साफ़ सफाई यहाँ बहुत अच्छा, खाना भी स्वाद भी अच्छा है, यहाँ साफ़ सफाई भी अच्छी रहती है और यहाँ पे लोग भी व्यवस्थित तरीके से बिठाए जाते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। वहाँ पानी रखा है, वहाँ पहले हाथ धो लो, सैनिटाइज़र कर लो, उसके बाद खाना खाने के लिए आप बैठो यहाँ पे, मतलब व्यवस्थाएँ अच्छी हैं। इस रसोई में पहली बार आने वाली आशा कार्यकर्ता सुनीता खाने को लेकर खुलकर बोलने लगी, ज़रा सुनिए। दीनदयाल अंत्योदय रसोई रोज आती हैं क्या? नहीं, अभी तो पहली बार आया है, लेकिन अब अक्सर आया करेंगे। अब हम लोग नहीं, अच्छा बहुत बढ़िया खाना है। कितने रुपए मिला खाना? 10 रुपए में जी। खाने की क्वालिटी कैसी लगी आपको? नहीं, अच्छी है। बस स्टैंड पर चलने वाले रसोई में आने वाले लोग तो खुश नजर आए। अब हम अपने मानक पर कसौटी पर रखने पहुंचे दूसरी बड़ी रसोई, जो कि जिला चिकित्सालय के पास चलती है। यहां भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इनमें से एक राजकुमार जैन तो ऐसे हैं जो रोज यहां आते हैं। जरा सुनिए इनसे खाने की क्वालिटी के बारे में। मूंगफली बेचता हूँ। मूंगफली बेचता जी सर। यहाँ आप आए दीनदयाल रसोई में, कितने रुपए की आपको थाली मिली? 10 रुपए की। रोज आते हैं? डेली आता हूँ। खाना कैसा रहता है? फर्स्ट क्लास। अच्छा, कभी आपसे ज्यादा पैसे तो नहीं मांगे? नहीं, कभी नहीं। और साफ सफाई कैसी रहती है? बहुत फर्स्ट क्लास, और यहाँ कर्मचारी भी बहुत अच्छे। तो आपको सरकार की योजनाएं क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार ये कि इसी प्रकार चालू रहे, इसी प्रकार हम जैसे गरीबों का काम चलता रहे। अब बारी थी रसोइयों के संचालन से जुड़े हुए मानकों को परखने की, तो हमने सीधे सवाल किए संचालक से, क्या जवाब मिला आप सुनिए। सिक्योरिटी सर्विसेज का संचालक हूँ और अपने यहाँ सागर जिले में जो है 3 अधिकृत वो हुई हैं यूनिट, जिसमें जिला चिकित्सालय में अपन वर्तमान में खड़े हैं और बस स्टैंड परिसर है दूसरा, और तीसरा पद्माकर स्कूल है, जिसमें हम प्रति दिवस जो है कम से कम जो है न्यूनतम 1100 लोगों करीब को जो है भोजन प्रदान करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्थाएँ जो हैं उसको सुव्यवस्थित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि हर भूखे गरीब को भोजन देना, और सामान्य जन सहयोग, व्यापारी लोगों से सहयोग लेके, मतलब जैसे कोई अपने विकलांग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको अपन पोर्टल पे लेके निःशुल्क भोजन की प्राप्ति देते हैं, जिससे कि जी। कितने कर्मचारी यहाँ पे हैं आपके? यहाँ हर केंद्र पे मेरे 6 हैं, लेकिन टोटल में मेरे 22 कर्मचारी जो है इस यूनिट में लगे। ये SGS सिक्योरिटी के नाम से यूनिट है। कुल मिलाकर सागर इस रियलिटी टेस्ट में पास है। इतना जरूर है कि खाना बनाने वाले और खाना खाने वाले अगर मास्क जैसी एहतियात का ध्यान रखें तो अपने आप को और भी बेहतर साबित कर पाते। सागर से हिमांशु शिवा पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।